बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं उर्थराम रुली आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। बहुजन समाज पार्टी के अंदर विशेष जो लोग थे या दिग्गज जिन्हें नेता कहा जाता था या बीएसपी के अलग अलग क्षेत्रों के जो नेता जुड़े हुए थे वो काफी ज्यादा पार्टी छोड़ चुके हैं या पार्टी से उन्हें निष्कासित किया जा चुका है। पार्टी के आपको बता दें कि विधायक भी जो अधिकांश थे उनको भी पार्टी के द्वारा निष्कासित किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने 9 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी रैली करके अपने सभी कार्यकर्ताओं को या सभी लोगों को चौंका दिया। बिना दिग्गजों को भी बीएसपी का जो कार्यकर्ता है वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खूब जुड़ा हुआ है, ये दिखाने की पूरी कोशिश की गई। दरअसल जो भी हो, बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले नेता सतीश चंद्र मिश्रा इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम देखने की कोशिश करें तो सतीश चंद्र मिश्रा का खुद आपको बता दें कि इसमें जुटे हुए नकुल दुबे लगे हुए, इसके अलावा कपिल मिश्रा जो कि सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे वो लगे हुए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा भी लगी हुई है और आपको बता दें कि अब तो उनकी बेटी भी इस कार्यक्रमों में है, वो शिरकत करती नजर आ रही है, बैनजी के लिए वोट की अपील करती नजर आ रही है। जो भी हो, बहुजन समाज पार्टी आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और इसका पूरा प्रचार प्रसार का जिम्मा कहीं ना कहीं सतीश चंद्र मिश्रा के हाथों में नजर आ रहा है। मिलेंगे इस नए वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।